आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से उज्जैन में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा 30 मई तक फ्री होल्ड मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर संपत्ति को लीज से मुक्त किया जाएगा, जिससे शहर में छतविहीन परिवारों को आशियाने मिल सकेंगे। इसी पर देखिए हमारी यह खास खबर। उज्जैन विकास प्राधिकरण में श्याम बंसल के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद शहर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल और सीईओ संदीप सोनी ने बताया है कि विक्रम नगर क्षेत्र में एक नया उज्जैन बसने जा रहा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस से लगाकर एलआईजी एचआईजी सभी श्रेणियों के मकान प्लॉट उपलब्ध रहेंगे, तथा यह व्यावसायिक दृष्टि से भी तमाम तरह के प्रकल्प का निर्माण किया जाएगा। 15 तारीख से 30 तारीख तक फ्री होल्ड रहने वाला है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार, माननीय शिवराज जी की इच्छा के अनुसार ये फ्री गेम हम कर रहे हैं। फ्री गेम में हमने 10 टीमें बनाई है। प्रत्येक टीम में 2-2 कर्मचारी अधिकारी की बनाई है। वो यहाँ से हमारे जितने भी प्लाट होल्डर आ रही हैं उन सबको फोन करके और फ्री होल्ड के फायदे बताएंगे। अभी तक प्राधिकरण जब फ्री होल्ड की बात करता तो कई लोगों को ऐसा लगता कि इनको पैसे की जरूरत होगी या इनको कोई और कारण होगा, शंका को शंका करते, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्री होल्ड करने के बाद भूस्वामी को बहुत सारी सुविधा मिलने वाली है। भूस्वामी को पहली सुविधा, फ्री होल्ड करने के बाद उसको बेचना है, मकान बनाना है तो यहाँ हमारे पास आ करके और परमिशन नहीं लेना है। किसी कारण से मकान को किसी के संपत्ति को, पिताजी संपत्ति को बेटे को ट्रांसफ़र कराना है तो ट्रांसफ़र कराना, तो भी आकर के हमारे शुल्क भरना है, उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए पैसे भरना है, हमसे परमिशन लेकर भरना है। मकान को तोड़ करके बनाना है तो प्राधिकरण के पास आना है। ऐसे अन्य कारणों से कुछ भी उसके मकान में करना है तो हमारे पास आना है, तो उसको अगर फ्री होल्ड करा लेगा तो उसकी स्वयं संपत्ति का वो मालिक होगा और उसको सिर्फ नगर पालिका से संपत्ति कर भरना और नगर पालिका से परमिशन लेना है। फ्री होल्ड करने के बाद 1 टाइम पैसा भर के उसकी पूरी की पूरी जीवन भर की संपत्ति फ्री हो जाएगी। फ्री होल्ड नहीं करने के बाद समय समय पर लीज भरने उसको आना पड़ता है। लीज की हमेशा रेट बढ़ती जाती है तो हमेशा हर ज़्यादा लीज भरना पड़ती है। कई बार वो लीज भर नहीं पाता है, भूल जाता है या ले जाता है तो उसको नोटिस मिल करके उसका भूखंड निरस्तीकरण की कार्रवाई हो जाती है। इन सबसे मुक्ति के लिए फ्री होल्ड की स्कीम है और मैं ऐसा मानता हूँ कि नागरिकों को इसको आना चाहिए। हमने यहाँ पर आते ही उसको फॉर्म देने की व्यवस्था रखी है, उसको फॉर्म हम फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। फॉर्म के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट हम साथ में दे रहे हैं। जमा करने के लिए हमारे पास सिंगल विंडो खिड़की है और उसके बाद उसको एक बार आने के बाद 45 दिन के अंदर अगर या तो हम उसको फ्री होल्ड कर देंगे या उसके में कोई कमी होगी या हमारे डिफॉल्टर होगा या उसने कुछ भूखंड में कुछ परिवर्तन कर लिया होगा तो हम उसको लिख करके देंगे, उसको निवृत्त कर देंगे। पर 45 दिन में उसको ये मालूम पड़ जाएगा मेरा फ्री होल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, उसको चक्कर खाने की जरूरत नहीं। हम आपको बता दें कि एक हितग्राही नगर निगम में भी टैक्स भरता है और विकास प्राधिकरण में भी लीज भरता है, ऐसे में उस पर दोहरी मार पड़ती है। ऐसे में आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से प्लॉट मकान फ्री होल्ड किए जा रहे हैं, इससे प्राधिकरण को भी एकमुश्त राशि प्राप्त हो जाएगी और आम जनता और यूडीए के हितग्राहियों को भी सुविधा प्राप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।